हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डे टू, आज हम रिटर्न शूट करने वाले हैं, वापस हैदराबाद से पुणे जाएंगे। फर्स्ट थिंग, कल रात में जब हम डिनर के लिए निकले थे तो एक वार्निंग लाइट आ रहा था गाड़ी में, विच फॉर्चुनेटली अभी सुबह नहीं आ रहा है, बट विल सी। वो वापस अभी निकलने से पहले जब चार्ज करेंगे उसके बाद में वो लाइट आती है नहीं आती, देखते हैं। मे बी कोई, क्योंकि सर्विस पेंडिंग है तो मे बी उसके लिए कुछ एक वार्निंग सिंबल साथ में उसके आ रहा है, विच इज आता है और चले जाता है। तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट वॉट इज द थिंग। अगर वापस आता है तो प्रॉब्ली विल टेक इट टू द सिट्रॉन शोरूम। तो अभी ये पास में ही एक मॉल है जहाँ पे जियो का चार्जर है। आई जस्ट शो इट टू यू। यहाँ पे L&T का कोई मॉल है, उसमें ये जियो का चार्जर है, उसका लोकेशन मैं मेंशन कर दूंगा। तो ये वाला चार्जर पे अभी गाड़ी को चार्ज करेंगे एंड प्रॉब्ली विल ग्रैब अ बाइट। हैदराबाद में थोड़ा घूमे थे, थोड़ा खाने पीने का एक्सपीरियंस किया है, यहाँ की बिरयानी ट्राई आउट की एक जगह पे, ऑल दैट ऑन दी अदर चैनल जहाँ पे एज आई टोल्ड यू वी आर द जनरल ब्राउजिंग एंड एक्सप्लोरिंग ऑफ द सिटी एंड एवरीथिंग, वी आर पुटिंग इट ऑन दी अदर चैनल। तो वो वाले चैनल में जाके जरूर चेक। और 100% चार्ज कर लिया है एंड 230 का रेंज गाड़ी दिखा रही है, विच यू नो कभी भी बदल सकता है अकॉर्डिंग टू योर ड्राइविंग बिहेवियर। दिस इज 100% चार्ज्ड एंड नाउ वी विल रीसेट द ट्रिप। तो 573 किलोमीटर्स प्लस 60, मतलब ऑलमोस्ट 630 किलोमीटर हमने कल गाड़ी चलाई थी। सो वी विल रीसेट दिस ट्रिप। Finally, we are on the ring road and on our way home. तो जो चार्जर हमने आते वक्त यूज किया था, वी थॉट वही चार्जर और वही लोकेशन से जाएंगे, लेकिन पहला चार्जर अभी वहाँ का पावर सप्लाई ऑफ लग रहा है। तो ये हाईवे पे ही अराउंड 50 किलोमीटर्स पे एक दूसरा चार्जर है, तो विल स्टॉप देयर। जबकि चार्जिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट वी हैव टू स्टॉप देयर, क्योंकि उसके बाद में अगर कोई चार्जर मिला नहीं तो शोलापुर पहुँचने में डिफिकल्टी हो जाएगा। तो विल स्टॉप हियर, एक टॉप अप चार्ज मारेंगे एंड देन विल गो अहेड। तो अभी मैं एक इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे हूँ जो मेन हैदराबाद सिटी से कुछ एक 60+ किलोमीटर दूर था एंड दिस इज द चार्जर, टाटा का चार्जर है। आई हैव रीच्ड हियर विद 62.2% बैटरी रिमेनिंग एंड द रेंज विच इट इज शोइंग इज अराउंड 200 किलोमीटर। अभी चैलेंज ये है कि इस चार्जर के बाद में SVS वाला चार्जर ही चालू है एंड उसका, जैसे कि आप जानते हो, पहले भी हमको इशू हो चुका है एंड हैदराबाद आते वक्त भी वो बंद था। व्हेन वी रीच देयर वो ऑफ था, लाइट पावर सप्लाई नहीं था। तो वी आर नॉट श्योर, तो अभी इस सिचुएशन को फिगर आउट कर रहे हैं कि इसके बाद में क्या करें, यहाँ पे फुल चार्ज करके डायरेक्ट सोलापुर पहुंचने का देखें या SVS वाले का रिस्क लें। तो विल स्टॉप हियर। वैसे 60% है, ज्यादा चार्ज तो करना नहीं है, बट स्टिल 80-90% पे ही निकल जाए या 100% करके सोलापुर के लिए डायरेक्ट शूट करे इज वॉट वी आर थिंकिंग। तो अभी गाड़ी को चार्ज पे लगाते हैं, देन वील डिसाइड कि क्या होता है, आपको थोड़ी देर में बताते हैं। तो 91% हो चुका है एंड वी आर थिंकिंग नाउ के स्टॉप कर देते हैं, वील ट्राई आउट द सस्तापुर वाला थिंग। अगर वर्किंग है तो वहाँ पे रुकेंगे, नहीं तो वील ट्राई टू मेक इट डायरेक्टली टू सोलापुर नाउ। एंड 230 किलोमीटर सोलापुर आ रहा है, सस्तापुर रफली 100 किलोमीटर है, यहाँ पे तो हाफ वे है ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे एक बार देख लेंगे, अगर मिला तो टॉप अप मारेंगे, अदरवाइज विल जस्ट गो टू सोलापुर। विल नॉट यूज दी AC एनी चॉइस, रात हो गई है अभी, राइट नाउ इट्स अराउंड 8:30। तो रात का टाइम है, विदाउट AC आराम से निकल जाएंगे, तो वी कैन गेट अ बेटर माइलेज। आते वक्त एज यू हैव सीन इन द लास्ट वीडियो, हमको ऑलमोस्ट 260 किलोमीटर्स का रेंज ओवरऑल मिल गया था। 90% चार्ज में तो 240 तक का रेंज मिल जाना चाहिए, सो दैट वेज वी कैन मेक इट टू सोलापुर इन वन चार्ज फ्रॉम हियर इज व्हाट वी आर थिंकिंग। बट स्टिल सस्तापुर ट्राई करेंगे, अगर चालू होगा तो रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ी देर उधर चार्ज करके फिर आगे निकल जाएंगे। सस्तापुर इज अराउंड 127 किलोमीटर, 2 घंटा कुछ लगेगा। 209 का रेंज कार दिखा रहा है, तो लेट्स सी। एंड 230 किलोमीटर इज सोलापुर। हम ये भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे रुके, चार्जिंग के लिए नहीं रुके, छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हो गए ड्राइव कर रहे हैं, तो सबको
एक कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वॉफ्ट ड्रिंक उठाना था वगैरह, उसके लिए रुके। वी आर 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम सस्तापुर। वैसे तो कंटिन्यूइंग जर्नी, 189 का माइलेज दिखा रहा है गाड़ी, एंड 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम सस्तापुर एंड अराउंड 160-170 किलोमीटर अवे फ्रॉम सोलापुर। तो सस्तापुर के पास पहुंचेंगे तभी देखते हैं कि क्या करना है। जो 50% हो चुका है एंड सोलापुर का जो चार्जर है उसके लिए 129 किलोमीटर लेफ्ट है। वी थिंकिंग अभी के विल स्किप SVS टायर्स का जो चार्जर है सस्तापुर में राइट नाउ, जस्ट फॉर वन रीजन के वी वांट टू सी इफ वी कैन डू दिस जर्नी विदाउट यूजिंग दैट चार्जर, क्योंकि वो चार्जर थोड़ा सा डाइसी चार्जर ही है। दो बार हमको इश्यूज फेस हो चुके हैं। लास्ट टाइम तो चलो जेन्युइनली इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, बट स्टिल इट्स अ वेरी डाइसी चार्जर, सो वी थॉट के लेट्स जस्ट स्किप इट एंड ट्राई टू रीच सोलापुर एंड लाइक फाइंड आउट इफ वी कैन एक्चुअली डू इट और नॉट। 50 किलोमीटर्स लेफ्ट, 64 किलोमीटर कार दिखा रही है रेंज, तो एक 14 किलोमीटर का सेफ गार्ड है हमारे पास। ये जो पर्टिकुलर पैच है रोड का, पूरे हाईवे का जो 500-600 किलोमीटर का जो हाईवे है, इसका ये सबसे बेकार पैच है। बिकॉज ऑफ दैट जो स्पीड भी थोड़ा कम रखना पड़ता है एंड लाइक यू नो the time is also wasted on the road. अभी आप देख सकते हैं रोड खाली है फिर भी ज़्यादा पिकअप नहीं ले सकते क्योंकि अचानक से कोई खड्डा आ जाता है या कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है। बट द सस्पेंशंस ऑफ द कार आर रियली रियली ब्यूटिफुल। थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है एंड ऑल्सो सी यू कैन सी लाइक यू नो अभी यहाँ पे रोड पूरा खराब हो गया है एंड द ब्रेकिंग इज ऑल्सो वेरी रियली गुड। द हैंडलिंग ऑफ द कार एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट फॉर इवन इन दिस रोड कंडीशन। लेस देन 10% लेफ्ट गाइस और ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर जाना है। होपफुली हो ही जाएगा। रोड्स आर गुड नाउ एंड स्पीड भी डिसेंट मेंटेन रखा हुआ है। इट्स ब्लिंकिंग ऑल्सो। वी नो वॉट हैपन्स आफ्टर 10% एंड ऑल, तो वो अगर आपको डिटेल्स नहीं पता है तो प्लीज चेक आउट द लास्ट वीडियो। उसमें हमने डे टाइम पे वो वाला चीज हुआ था तो AC का कंडीशन और सब कुछ हमने डिस्कस किया है उसमें, सो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स इन दैट वीडियो। Under 5% guys, 4.4% पे है गाड़ी अभी। That's the least that we did the last time. अभी उससे भी कम जाने वाला है मेरे को लग रहा है बैटरी एंड क्रॉल मोड और everything has been activated. But as I said, compared to the other Tata cars, the crawl mode and all is not exactly the crawl mode. थोड़ा सा throttle response better है compared to what happens in Nexon and all. 3 किलोमीटर और बचा है, पहुंच ही जाएंगे मोस्टली, बट कितने परसेंट पे पहुंचते हैं वो देखेंगे। Finally reached here and we are here in 3.3%. Let's see, 15 kilometers ka range aur baki hai and the car is just amazing us. Almost 60% charge kar diya hai. Gaadi range 180 bata raha hai but then we are planning thinking ke 120 to milega hi milega. So accordingly we are heading to the next charger. Matlab yahan pe zyada der hum log rukne ka waise bhi plan nahi kar rahe the kyunki yahan pe kuch hai nahi. तो नेक्स्ट चार्जर जो इंदापुर में है वहाँ पर देर आर छोटे मोटे स्टॉल्स हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह सब मिल जाता है, तो और भूख भी लगी है, तो वे थिंकिंग विल गो टू दैट वन एंड वहाँ पे और एक्स्ट्रा चार्ज करके विल गो होम। वेल रीच देयर 9% और बहुत ज़्यादा गाड़ी को भगाया, नॉट जोकिंग। मतलब मैं तो नहीं चला रहा था, फ्रेंड्स चला रहे थे एंड वी वॉन्टेड टू टेस्ट के हाई स्पीड्स एंड एवरीथिंग कैसा चलता। रात का टाइम है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, तो वी थॉट विल ट्राई दैट आउट ऑल्सो एंड द कंट्रोल इज लिटरली अमेजिंग एंड नो कंप्लेन्स एक्चुअली। ड्राइव वाइज एंड कम्फर्ट वाइज एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड आई डिडंट टॉक टू यू मच एट द लास्ट स्टेशन, बट वी लिटरली गॉट 3 किलोमीटर्स का माइलेज बिहाइंड एवरी परसेंटेज, दैट इज लाइक अमेजिंग। मतलब 300 का माइलेज मिल गया, 100% चार्ज पे 300 किलोमीटर्स का माइलेज मिल गया, दैट्स लिटरली अमेजिंग एंड विदाउट डूइंग मच। मतलब आई वॉज ड्राइविंग रादर 70-80 के स्पीड पे मैं चला रहा था, ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत स्लो चला रहा था या कुछ, एंड आई स्टिल गॉट दैट माइलेज। और ये रूट अगर किसी को पता है तो यहाँ पे ना कोई घाट है ना कुछ है कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डाउनहिल मिल रहा है या कुछ, तो इट्स मोर स्ट्रेट रोड्स, ग्रेजुअल अप्स एंड डाउन्स एंड स्टिल गॉट दैट माइलेज इज लाइक आई एम लिटरली सरप्राइज्ड। कार इज एक्चुअली सरप्राइजिंग अस एवरी डे, लाइक यू नो एवर सिंस वी गॉट इट।
is actually surprising us every day. I'm looking forward to reach home now and go sleep. मतलब बहुत ज़्यादा hectic हो गया last 2 दिन. And maybe in the future we'll do more vlogs on this car. इसका एक बड़ा version भी आने वाला है बहुत ही जल्द, C3 Aircross, जिसका EV variant is also lined up. So we'll be very excited to test that out now. 72% car charged है और कुछ 170 odd kilometers अभी हमको जाना है हमारे घर के लिए. So let's not waste time and reach home now. We finally reached home now. और बहुत ही मजेदार drive थी, थोड़ी long and tiring थी. मतलब टोटल ऑलमोस्ट 694 किलोमीटर्स ड्राइव किया है आज के दिन में. एंड नेचुरली जब हैदराबाद से निकले थे तो ट्रैफिक बहुत था, एंड अभी पुणे पहुंचने के बाद में भी आउटस्कर्ट से ट्रैफिक शुरू हो गया था, बट स्टिल मैनेजेबल. थोड़ा जल्दी ही आए हैं तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगा. तो इट टुक अस ऑलमोस्ट लाइक 13 to 14 आवर्स टू डू दिस जर्नी बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक. जाते वक्त एक्चुअली रात में जब निकले थे तभी हम लोग 12 एंड हाफ आवर्स में पहुँच गए थे. आज थोड़ा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया है. एंड यस, इट वाज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बहुत ही अच्छा और प्लेजेंट ड्राइव था. नो हैसल्स, ना चार्जिंग के कोई प्रॉब्लम्स हुए ना कुछ. एंड वी सक्सेसफुली कंप्लीटेड द हैदराबाद रिटर्न जर्नी विदाउट एनी इश्यूज लाइक लास्ट टाइम. एंड कार अमेजिंग गाइस, अमेजिंग. डू ट्राई इट आउट वंस. मतलब जो माइलेज मिल रहा है, लाइक इवन नाउ ऑल्सो रास्ते में हमको लग रहा था कि हमने ज़्यादा चार्ज करना चाहिए था, 70% में क्यों निकले. बट देन वी रीच होम विद 9.something% बैटरी रिमेनिंग. सो दैट सेज अ लॉट अबाउट द कार. एंड ऑलमोस्ट 1200+ किलोमीटर्स डन इन द होल जर्नी इन 2 days. दैट्स अमेजिंग. सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन. विल गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट कितना खर्चा आया, क्या आया. जो बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, आई एम श्योर ये वीडियो पे भी आएगा कि चार्जिंग का कॉस्ट क्या पड़ा एंड ऑल दैट. विल कंपाइल अ वीडियो ऑन दैट एंड पुट इट आउट फॉर यू वेरी सून, जिसमें हम चार्जिंग के बारे में बताएंगे एंड प्लस टोल्स वगैरह कितना चार्ज हुआ, क्योंकि वो चीज़ है जो बैठ के नोट डाउन करना पड़ता है. तो विल डू ऑल दैट एंड मेक अनदर वीडियो फॉर यू फॉर ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस होल जर्नी. सो दैट्स इट फॉर नाउ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.